हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। और फिलहाल मैं हूँ आरा शहर के मोती महल सिनेमा हॉल में। और जितने भी खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं उन सबके लिए खुशखबरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरा के सपना सिनेमा में हर हर गंगे लगा है। बहुत लोगों का कहना था कि मैंने संघर्ष नहीं लगा है, तो उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है कि आरा में भी संघर्ष 2 लग चुका है। आरा के मोती महल सिनेमा हॉल में आज यानी कि 22 अक्टूबर से संघर्ष 2 का 2 शो स्टार्ट हो गया। पहले इसमें गणपत लगा था, गणपत को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहा कि भैया भोजपुरी के आएंगे ये हमने के यूपी बिहार में हिंदी के कोनो वैल्यू बाना, मैंने बॉलीवुड के फिल्म के कोनो वैल्यू बाना। तो यही कारण है, तो जिस तरह से संघर्ष को मतलब प्यार मिल रहा था, तो बहुत लोग कह रहा था कि आरा में मतलब नहीं लगा। इस बात का अफसोस, आरा का लोग जो है पटना जा रहा था देखने के लिए, उन सभी के लिए गुड न्यूज है कि आरा में मोती महल सिनेमा हॉल में संघर्ष 2 लग चुका है। आज जो है इसका 2 शो चला है और दोनों शो मतलब फिलहाल ठीक ठाक चला है। जैसा कि हमने बात किया तो पता चला कि जैसा कि ठीक ठाक चला है और मतलब हर हर गंगे का अपेक्षा इसका शो बढ़िया गया है। तो जितने भी खेसारी लाल यादव जी के फ़ैन हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों का शिकायत था, तो उनका शिकायत भी हम दूर कर दिए और एक वीडियो भी बना दिए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी इस वीडियो के माध्यम से कि आरा शहर में संघर्ष 2 लग चुका है और आज जो है इसका फर्स्ट शो था, फर्स्ट डे था, बढ़िया गया है, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। तो जितने भी लोग आरा के आसपास के हैं मतलब कि वो आकर मतलब मोती महल सिनेमा हॉल में संघर्ष 2 देख सकते हैं और सपना सिनेमा में हर हर गंगे लगा है तो वो भी देख सकते हैं। और एक बात और इस वीडियो में कहना चाहेंगे कि देखिए हम जो है क्लियर बात मने किसी का पक्ष या ये विरोध वाला बात नहीं है। हम जो है पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, दोनों जो है भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी के धरोहर हैं। तो हमारा काम यही है कि उनकी फिल्में अच्छी करें, भोजपुरी का नाम आगे बढ़े, ना कि आपस में पवन खेसारी करके लड़ाई करके कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं ये मत सोचिएगा कि हम पवन सिंह के फ़ैन हैं या खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं, हम भोजपुरी के फ़ैन हैं और भोजपुरी को अच्छाई के लिए, भोजपुरी को सपोर्ट करने के लिए, चूँकि भोजपुरी का सबसे बड़ा ये फिल्म कहा जा रहा है, चाहे हर हर गंगे हो चाहे संघर्ष 2 हो, भोजपुरी के इतिहास का सबसे बड़ा ये फिल्म कहा जा रहा है, सबसे अच्छा। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यही हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं चाहे पवन सिंह के फ़ैन हो या खेसारी लाल यादव के फ़ैन हो, आप लोग आइए अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाइए, जहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर जाइए और दोनों फिल्मों को भर भर के प्यार दीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। और आज जो है मतलब यही संदेश रहेगा कि आरा में मोती महल सिनेमा में संघर्ष 2 लग चुका है, तो जितने भी खेसारी लाल यादव के फ़ैन हैं आकर यहाँ पर संघर्ष 2 देख सकते हैं। 2 शो चल रहा है तो फिलहाल अभी यहाँ पर 2 ही शो चल रहा है, इसलिए आकर यहाँ पर देख सकते हैं। और सपना सिनेमा में हर हर गंगे चल रहा है और आज जो है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा हर हर गंगे का और आज का शो जो है अच्छा गया है। पहला दिन चूंकि दुर्गा पूजा की वजह से वैसा नहीं था, लेकिन कल से वहाँ पे भी ऑडियंस बढ़ा है, कल भी अच्छा खासा ऑडियंस गया है और आज भी वहाँ पर ऑडियंस अच्छा गया, मतलब जैसे जैसे पूजा खत्म होने के कगार पे है तो ऑडियंस बढ़ रहा है। और दोनों ही फिल्में अपने आप में बेहतरीन है, दोनों ही फिल्में में अच्छा एक सामाजिक संदेश है, चाहे हर हर गंगे हो चाहे संघर्ष 2 हो। तो आप लोग दोनों फिल्मों को देखिए, ये मत सोचिए कि हम पवन सिंह के फ़ैन हैं तो खेसारी का नहीं देखेंगे, खेसारी के अगर फ़ैन हैं तो पवन सिंह का नहीं देखेंगे। आप ये देखिए कि हम भोजपुरी के फ़ैन हैं तो भोजपुरी को आगे बढ़ाना, इसलिए दोनों फिल्मों को उतना ही प्यार दीजिए और इस चीज़ से, जाति से और ये पवन खेसारी विवाद से उठकर भोजपुरी को आगे बढ़े, ठीक है। और हमको भी आप लोग कह रहे थे कि मैंने हम भी जो है चमचाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना, हमको चमचाई करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। पवन सिंह के लिए भी मेरे दिल में उतना ही प्यार मोहब्बत इज्जत है और खेसारी लाल यादव के लिए भी वही प्यार है वही इज्जत है, दोनों हमारे बड़े भाई हैं, दोनों हमारे गुरु हैं, आदर्श हैं, दोनों का हम लोग फिल्म देखते हुए और गाना सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो क्यों किसी का चापलूसी करना, क्यों किसी का चमचाई करना, ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे उनको तो हम मना नहीं कर सकते, बाकी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी संदेश है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा गलत सोच रहे हैं, हमारे नज़र में दोनों एक समान है, बाकी वो एक दूसरे के नज़र में क्या है हमको ये नहीं पता है, लेकिन हमारे नज़र में दोनों भोजपुरी के स्टार हैं, दोनों हमारे बड़े भाई हैं, बस सीधी सी बात है, क्लियर कट बात है। तो बस लास्ट में यही था कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आरा में भी पावर स्टार पवन सिंह का शहर आरा है और लोग कह रहा था कि यहाँ पर खेसारी का फिल्म नहीं लगा है, तो लग गया है खेसारी का फिल्म। आइए और आकर संघर्ष 2 और हर हर गंगे आराम से आइए, दोनों फिल्में देख के जाइए, भैया 80 रुपया 100 रुपये टिकट का दाम है, तो देख ही रहे हैं तो दोनों फिल्मों को बराबर प्यार दीजिए, है ना। चलिए, और जितने भी लोग हैं बढ़िया बढ़िया लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, ठीक है। आप लोग गलत गलत कमेंट करते हैं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम ना वीडियो में कुछ गलत बोलते हैं और ना ही गलत हम चाहते हैं कि हम गलत करें, हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें दिखा के आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर संघर्ष 2 का पोस्टर लग चुका है, यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टार वही जो सुपर हिट पोस्टर था वही यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है और साइड में वहाँ पर गणपत का भी पोस्टर लगा है, जो पहले से गणपति चल रहा था, लेकिन लोगों का डिमांड था कि आरा में मतलब खेसारी लाल यादव जी का फिल्म नहीं लगा है
तो वो डिमांड पूरा करने के लिए फाइनली जो है आरा जिला में संघर्ष टू लग चुका है। देख सकते हैं 200 चल रहा है, एक मॉर्निंग में 9:30 से एक दोपहर में 12 बजे से 200 चल रहा है आरा के मोती महल सिनेमा हॉल में, और सपना सिनेमा में लगा है हर हर गंगे 2। तो बस यही रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कि दोनों फिल्मों को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, दोनों भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी के धरोहर हैं, तो दोनों ही फिल्मों को बराबर प्यार दीजिए। चलिए, और जैसे ही मुझे पता लगा कि आरा में मोती महल सिनेमा हॉल में संघर्ष 2 लग चुका है, भैया हम कहें कि चलिए पहले इस वीडियो को बनाएं और सभी लोग शिकायत को दूर करें, जो लोग कह रहे थे कि हम संघर्ष 2 को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो कहें कि चलिए इसको भी बना देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि संघर्ष 2 भी लग चुका है। तो बस आइए और वहाँ जहाँ से भी हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर पहुँचिए, और आरा से आसपास से देख रहे हैं तो आरा में पहुँचिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।